वर्ष 2023 में एक ग्रहण है जो चंद्र ग्रहण है, वो चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितने देर का होगा और क्या सब उसके उपाय होंगे, इस पर विशेष जानकारी हम लेंगे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुणाल कुमार झा हमारे साथ है। रात्रि में 1:05 पर मिथिला प्रदेश में ग्रहण लगेगी और उनका मोक्ष का जो समय है 2:24 पर। और यह चंद्र ग्रहण जो है सो हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग फलाफल है, जिसमें मेघ राशि वाले के लिए यह चंद्र ग्रहण जो है सो घातक है, वृक्ष राशि वालों के लिए हानिकारक है, मिथुन राशि वालों के लिए लाभकारक है, कर्क राशि वालों के लिए सुखकारक है, सिंह राशि वालों के लिए अपजस कारक है, कन्या राशि वालों के लिए कष्टकारक है, तुला राशि वालों के लिए स्त्री पीड़ा है, वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख माना गया है, धनु राशि वालों के लिए चिंता प्रदान करेगा, मकर राशि वालों के लिए व्यथा होगी, कुंभ राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति होगी, मीन राशि वालों के लिए क्षतिकारक है। ग्रहण के समय में भोजन शयन अर्थात भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, गाय को नहीं दोहन करना चाहिए अर्थात क्षेत्र कर्षण नहीं करना चाहिए, वनस्पति वृक्ष पौधा इत्यादि का जो है सो छेदन नहीं करना चाहिए, हल चालन मलमूत्र जो ग्रहण के समय में मलमूत्र का भी त्याग नहीं करनी चाहिए जो निषेध माना गया है। और ग्रहण के समय में स्नान दान जप होम श्राद्धादि अनंत फल कारक है, अशुभ फल ग्रहण दोष शांति के लिए जो अशुभ राशि को के लिए जैसे मेघ राशि वालों के लिए घातक कारक है, उन्हें स्वर्ण गोदान आदि कार्य अथवा अशुभ फल ग्रहण शांति के लिए करनी चाहिए जिससे उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यही ग्रहण का कितने तारीख को ये 28 अक्टूबर को रात में लगेगी जो 1:05 पर अंगल हिसाब से 12 के बाद डेट चेंज होता हो जाएगा इसीलिए 29 तारीख मानिए इसको, लेकिन यह कोजगरा के रात पूर्णिमा के रात 28 अक्टूबर को रात में लगेगी।